नमस्कार, वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर पांचपावली में नायलॉन मांझे की 707 चक्रिया जब्त, नाइक तालाब परिसर में की गई कार्रवाई। कार रिवर्स लेते समय हुआ हादसा, हादसा हुआ सीसीटीवी में कैद, सावनेर की घटना। और चंद्रपुर बल्लारपुर रोड पर कार पुल से नीचे गिरी, कार में सवार चार में से एक की मौत, तीन घायल। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर में पांचपावली थाने के तहत नाइक तालाब चौक की पुलिस चौकी के पीछे छापा मारकर क्राइम ब्रांच की टीम ने नायलॉन मांझे के 707 चक्रिया जब्त की है। यह कार्रवाई रविवार की शाम हुई। पुलिस चौकी के पीछे ही मांझा की खुलेआम बिक्री हो रही थी। घटनास्थल पांचपावली पुलिस की चौकी के पीछे ही होने से बिक्री की खबर डीपी स्क्वाड बीट मार्शल को नहीं होने पर आश्चर्य जता जा रहा है। इसके चलते शहर की पांचपावली पुलिस भी संदेह के घेरे में आ गई है। पुलिस को पुलिस चौकी के पीछे रहने वाले आरोपी सुबोध मदन लाल कोहाड़ के नायलॉन मांझे की बिक्री में लिप्त होने की खबर मिली थी। सूचना मिलने पर यूनिट 3 के पुलिस निरीक्षक प्रदीप रायन्नावार, एपीआई पवन मोरे की टीम ने शाम 4 बजे कोहाड़ के घर पर छापे की कार्रवाई की। उसके घर के सामने से पुलिस को 4,24,000 रुपए कीमती का मांझे सहित ऑटो भी मिल गया। माननीय पुलिस आयुक्त श्री अमितेश कुमार सर यानी तसेच डीसीपी डिटेक्शन सर यांनी नायलॉन मांझा बाळगणारे विक्री करणारे यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहेत। त्या अनुषंगाने युनिट 3 कडून गेल्या महिन्याभरात 2 कारवाई यापूर्वी करण्यात आलेल्या आहेत। आज सुद्धा एक मोठी कारवाई केलेली आहे। त्याच्यामध्ये तांडापेठ पाचपावली येथे राहणारा सुबोध कोवाड नावाच्या इसमाकडून आम्ही 13 बॉक्स नायलॉन मांझ्याचे जप्त केलेले आहेत। त्याच्यामध्ये एकूण 707 नायलॉन मांझ्याच्या चक्री आहेत। तसेच त्याच्याकडून एक महिंद्रा अल्फा नावाची गाडीसुद्धा जप्त केलेली आहे। या सर्व मुद्देमालाची किंमत जवळपास 6,24,00,000 इतकी आहे। सावनेर मार्ग पर दादाजी नगर बाजार के बाजू में सीमेंट सीट पर बैठे तीन लोगों को एक कार ने रिवर्स गाड़ी लेते समय बेरहमी से कुचल दिया, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। हालांकि बड़ी घटना टल गई। इस घटना का रात में वीडियो वायरल होने से शहर में चर्चा का विषय बना रहा। बगैर पुलिस को जानकारी के जख्मी लोगों ने कार सहित पलायन कर लिया। इस तरह की शहर के इतिहास की पहली घटना होगी। इस घटना को लेकर रविवार को सुबह नागरिकों में चर्चा ही हो रही थी। इस घटना वीडियो सीसीटीवी के जरिए सामने आया, जिसमें एक सफेद रंग की कार ने रिवर्स लेते समय ऐसी गड़बड़ी की कि जिसकी चपेट में तीन लोग आ गए, जिसमें से एक बुरी तरह एक दुर्घटना का शिकार हो गया। चंद्रपुर से बल्लारपुर महामार्ग पर एक दुर्घटना में एक की मौत जबकि तीन गंभीर जख्मी हो जाने का मामला सामने आया है। इस सड़क दुर्घटना में कार सीधी पुल के नीचे जा गिरी, जिसके कारण कार में सवार चार लोगों में से एक की मौत जगह पर ही हो गई। चंद्रपुर के बल्लारपुर रोड पर रविवार को एक कार का संतुलन बिगड़ने से कार पुल के नीचे आ गिरी। बताया जा रहा है कि कार में चार लोग सवार थे जो शराब के नशे में थे। बाबूपेट रेलवे ओवरब्रिज से कार जब पुल के नीचे गिरी तब उसमें चार लोग सवार थे, जिसमें बल्लारपुर निवासी अभिषेक गुप्ता की जगह पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार रोहित तोगरवार, मोहन सल्लारेड़ी, भुवन गजबिये गंभीर जख्मी हो गए, जिन्हें चंद्रपुर के सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। समाज के कमजोर तबके के बच्चों ने जिस तरह से अपने प्रयोगों को प्रस्तुत किया है वह महत्वपूर्ण है। अपूर्व विज्ञान मेला विज्ञान शिक्षा की दिशा में देश भर में एक अनोखा प्रयोग है, इसका विस्तार होना चाहिए। उक्त विचार रामटेक के सांसद कृपाल तुमाने ने व्यक्त किए। एसोसिएशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन बेसिक साइंस एजुकेशन नागपुर महानगर पालिका और विज्ञान प्रसार भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रभाषा भवन परिसर उत्तर अंबाजरी मार्ग में आयोजित 5 दिवसीय अपूर्व विज्ञान मेले का रविवार को समापन हुआ। श्री तुमाने ने कहा कि प्रयोग समझाते हुए बच्चों का आत्मविश्वास काबिले तारीफ था। उनके बताने से साफ पता चलता था कि बच्चों ने सिद्धांतों को रटा नहीं है बल्कि समझा है। हर प्रयोग में बच्चों की पूरी सहभागिता थी। संस्था के सचिव सुरेश अग्रवाल ने श्री तुमाने का स्वागत किया और उन्हें मेला के संबंध में जानकारी दी। शिक्षक बधाई के पात्र है।
शिक्षाविद शांति राधाकृष्णन ने कहा कि किसी सरकारी या मनपा स्कूल के बच्चों को प्रयोग का यह अवसर उपलब्ध होना उल्लेखनीय है। इससे भी महत्वपूर्ण यह है बच्चों को प्रशिक्षित करना। इसके लिए वे सभी शिक्षिकाएं बधाई के पात्र है जिन्होंने विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है। शिक्षाविद होने के साथ ही वे मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी की पत्नी भी है। उन्होंने कहा कि मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ। हम लोगों को विज्ञान के प्रयोगों का अनुभव नहीं मिल पाता था, लेकिन जहाँ सहज उपलब्ध वस्तुओं से विज्ञान की संकल्पनाओं को समझाया जा रहा है। मनपा के मेला समन्वयक राजेंद्र पुसेकर और शिक्षिकाएं ज्योति मेडपिलवार, नीता गडेकर, पुष्पलता गावंडे, नीलिमा अढ़ाऊ, दीप्ति बिष्ट, वंदना चौहान, मनीषा मोगलेवार, सुरिता जरबड़े, इनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने प्रयोग बखूबी प्रस्तुत किए। गत 5 दिनों में हजारों विद्यार्थियों, शिक्षकों और पालकों ने मेले का लाभ उठाया। अभिभावकगण भी बड़ी संख्या में मेला देखने आए। मेले में आसपास उपलब्ध वस्तुओं से निर्मित सरल, सुगम और कम खर्चीले विज्ञान के करीब 100 प्रयोग प्रदर्शित किए गए थे। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र व गणित के ज्यादातर प्रयोगों को लोग बारीकी से समझते रहे। शरीर के हृदय, मस्तिष्क, आंख, किडनी जैसे असली अंग भी खास आकर्षण का केंद्र रहे। छत्तीसगढ़ से शिक्षकों का दल भी मेला देखने पहुंचा। इनमें राजनांदगांव के अभिषेक शुक्ला, कांकेर के लखनलाल साहू शामिल थे। अब पूरे विज्ञान मेला ने अभियान का रूप तो पहले ही ले लिया था, अब कंसेप्ट भी बन चुका है। सिर्फ बच्चों में ही यह लोकप्रिय नहीं है, बल्कि अध्यापक और पेरेंट्स भी विज्ञान शिक्षा को प्रयोगों के माध्यम से समझने समझाने को उत्सुक दिखे। विज्ञान प्रसारक बीएस स्वाई ने बताया कि कोरोना के बाद यहाँ बच्चों और अभिभावकों का जो उत्साह देखने को मिला वह संतोषजनक था। साधारणतः शैक्षणिक यात्रा का कल्चर महाविद्यालयों में है, जहाँ विद्यार्थियों को प्रकृति या किसी उद्योग का निरीक्षण कराया जाता है, लेकिन अपूर्व विज्ञान मेला के कारण इसका लाभ स्कूल के बच्चे भी उठा रहे हैं। दूर दराज में अध्ययनरत बच्चे बसों में आते हैं और मनोरंजन के साथ ही विज्ञान से दोस्ती भी करते हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शहर के जरीपटका व गिट्टी खदान थाने के 2 महिलाओं ने अपने प्रेमियों पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए बलात्कार करने की शिकायत की है। खास बात यह है कि दोनों शिकायतकर्ता महिलाएं विवाहित है। जरीपटका में शिकायत करने वाली 34 वर्षीय महिला अस्पताल में काम करती है। वह 2 बच्चों की मां बताई जाती है। उसकी फेसबुक पर 4 साल पहले जलगांव निवासी वाहन चालक देवेंद्र विकास पवार से मित्रता हुई थी। दोनों के बीच ऑनलाइन चैटिंग शुरू होकर 30 सितंबर 2017 से अनैतिक संबंध शुरू हो गए थे। विवाहित होकर भी महिला और आरोपी पवार ने विवाह करने की तैयारी दिखाई। दोनों के बीच लगातार शारीरिक संबंध होने से महिला गर्भवती हो गई, लेकिन महिला ने गर्भपात कर लिया था। पवार के शादी करने से इनकार करने पर महिला ने जरीपटका थाने में शिकायत दर्ज कराई। दूसरे मामले की फरियादी महाल निवासी महिला है। उसकी आरोपी रोशन अशोक खोड़े से मित्रता थी। खोड़े ने महिला को नौकरी लगाने के लिए काफी प्रयास किया था। दोनों विवाहित होकर भी करीब आ गए। 2 साल से दोनों के बीच अनैतिक संबंध बन गए। 2 दिन पहले दोनों में विवाद हो गया। खोड़े ने महिला को मारपीट कर धमकी दी। महिला ने गिट्टी खदान थाने पहुंचकर बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी खोड़े पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। विदर्भ सिंचाई विकास निगम और राज्य सिंचाई विभाग की ओर से दिसंबर के अंत तक पौनी तहसील में वैनगंगा नदी पर साकार की गई
गोसीखुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना के बांध में जल संचय पूर्ण क्षमता के साथ बढ़ाने का नियोजन किया गया है, तथापि इसे 100% तक भरने में अभी 1 माह का वक्त और लगेगा। सूत्रों की माने तो बैनगंगा की अपस्ट्रीम में इस समय बारिश भी नहीं हो रही है और नदी में इनफ्लो यानी पानी की आवक भी इस समय काफी कम है, जिसके कारण जल संचय की रफ्तार धीमी पड़ गई है। बावजूद इसके गोसीखुर्द बांध और बैनगंगा नदी दोनों इस समय लबालब हो गए हैं और इनका बैकवाटर डूब क्षेत्र के गांवों में खेतों में पहुंच रहा है। वीआईडीसी के नियोजन के अनुरूप गोसीखुर्द बांध में गत नवंबर से पानी रोका गया है और उसके अभी 33 गेट बंद कर दिए गए हैं, तथापि इसे 100% तक भरने में अभी 1 माह का वक्त और लगेगा, ऐसी जानकारी बताई जा रही है। बेंगलुरु में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने के निषेध करते हुए वर्धा में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस द्वारा शिवाजी चौक में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस द्वारा की गई। मध्ये बेळगाव इथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या म्हणजे प्रतिमेची शाई टाकून विटंबना करण्यात आली आणि या जेव्हा ह्या घटनेचा विरोध होणं सुरू झालं तेव्हा तिथल्या मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट शब्द सांगितलं का बा अशा चिल्लर गोष्टी होत राहते, म्हणजे इकडे शिवाजी महाराजांच्या नावाने मतं मागायची BJP सरकारनी आणि तिकडे शिवाजी महाराजांची विटंबना करायची, हे जी प्रवृत्ती गोडशीची प्रवृत्ती याच्याकडून माहीत पडते का हे गोडशीचे किती समर्थक आहे। छत्रपती शिवाजी अखंड महाराष्ट्रामध्ये शिवाजी महाराजांना मानणारा हा एक मोठा वर्ग आहे आणि जर यांनी ह्या मुख्यमंत्र्यांनी जर जाहीरपणे माफी मागितली नाही तर राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस रस्त्यावर उतरून याचा जाहीर निषेध करू आणि तीव्र विरोध करू आणि हा विरोध हे आंदोलन सातत्याने पूर्ण महाराष्ट्रभर आज संपूर्ण महाराष्ट्रभर राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस रस्त्यावर उतरली आहे, काऊन आमच्या ह्या अस्मितेचा भाग आहे, महाराज आमच्या मनामनात श्वासाश्वासात भिंते, त्यामुळे आम्ही पूर्ण महाराष्ट्रभर राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस रस्त्यावर उतरली आहे। प्रत्येक ठिकाणी आम्ही महाराजांच्या प्रतिमेचा दुग्धाभिषेक करत आहे, मोठ्या प्रमाणात दुग्धाभिषेक करत आहे, प्रत्येक तालुक्यामध्ये महाराजांचा दुग्धाभिषेक सुरू आहे। आज आमच्या वर्ध्याच्या एवढ्याही 8 तालुके आणि जेवढे शहर आहे शहरामध्ये प्रत्येक ठिकाणी महाराजाच्या हृदयाचा दुग्धाभिषेक केलेला आहे आणि हे पूर्ण राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस पूर्ण ह्या लढा सातत्याने जोपर्यंत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री जाहीरपणे माफी मागत नाही तोपर्यंत राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचा लढा सुरू राहील आणि मी ह्या घटनेचा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीकडून तीव्र असा निषेध करतो। कोरोना मुक्त हुए लोगों में फेफड़े और हृदय से जुड़े रोग भी पाए गए हैं। 5-10% रोगियों में लंग फाइब्रोसिस और 2-5% में रक्तवाहिनी में गुठली होने की तकलीफ पाई गई है, इसलिए कोरोना के गंभीर लक्षण वाले रोगियों की हर 3-6 माह में जांच होना जरूरी है। मेडिकल के श्वसन विभाग प्रमुख डॉक्टर सुशांत मिश्रा ने सलाह दी है कि श्वसन विभाग की ओर से रविवार को मेडिकल के सभागृह में पल्मोनोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट मीट में 5 राज्यों से पहुंचे 100 PG विद्यार्थियों ने फेफड़ों के रोग पर शोध पत्र प्रस्तुत किया। उत्कृष्ट पेपर पेश करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। बैठक में कोरोना के नए वेरिएंट और टीके को लेकर भी विद्यार्थी वक्ताओं के बीच चर्चा हुई। 2021 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर मेश्राम अध्यक्ष के रूप में मार्गदर्शन कर रहे थे। बैठक में 5 राज्यों के श्वसन विभाग के डिग्री कोर्स के विद्यार्थियों ने भाग लिया। 2 दिन चलने वाली इस मीट में 20 वक्ता मार्गदर्शन करेंगे। तो सुबह के प्राइम टाइम में बस इतना ही, लेकिन अन्य खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ।